हाँ, ये आप रियलाइज करें कि पहले 50 ओवर इन्होंने फील्डिंग की है, उसके बाद 90 पे ये दुके पे दुका लिए जा रहा था. दैट शोज दैट गाय इज फ्रॉम अ डिफरेंट प्लेनेट कंप्लीटली. वो मैं तो बल्कि आई थिंक हियर इज अनदर थिंग जो बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये जो 80 से 100 पर गए हैं ना, वो जो आखिरी एक्सेलरेशन की है, मैं तो सेंचुरी के करीब आ गया हूं, तो टारगेट भी सही है सेंचुरी. दैट इज अ फिनोमिनल एक्सेलरेशन दैट ही इज एट. या दैट वाज एंड देन वी गॉट अ पॉइंटर में के रन रेट से बॉदर नहीं किया यार, दे वर विनिंग बाय 15 20 ओवर्स. सेंचुरी हो रही है उन्हें दो, वन ऑफ दे वर टॉइंग विद द बॉलर्स, दे वर एंजॉयिंग द बैटिंग, एंड जब कोहली बैटिंग करने आया वो स्टार्ट के बाहर, इट वाज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम. ये आपकी स्क्रीन पे लेकर आते हैं कोहली कर दिए ना, तीन रन एक्स्ट्रा करके छक्का मार दिया 97 पे. एक पे वो हंसा भी था जो इधर से वाइट बॉल हुआ, उसने छोड़ा क्यों, अरे बाहर ने भी नहीं दिया वाइट बॉल. ये ओके ओके, एक तो ये कि जबरदस्त उनको दो फ्री हिट्स मिल गई आते साथ ही. आज जब उन्होंने अपनी बैटिंग का आगाज किया है तो यू नो दैट फ्री हिट्स, दोस टू फ्री हिट्स रियली सेट हिम अप टुडे. मोइन हां जी बिल्कुल, उन्होंने अपने इंटरव्यू में आप पोस्ट मैच यही कहा था कि आते किसी भी बैट्समैन को लाइक इतनी ऐसी सिचुएशन मिल जाए जिसमें फ्री हिट्स, नेचुरली कॉन्फिडेंस आ जाता है कोई भी बैट्समैन, बट कोहली की जो जो ये डिफरेंट ब्रीड है बैट्समैनों में, आते ही डोमिनेट करना शुरू करते थे, कोई बॉल मिस नहीं करता. अगर कहीं इम्प्रोवाइज भी करना हो तो चांस ज़रूर लेता है ये. कहीं भी इसको मैंने आज तक नहीं देखा कि इन्होंने डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा खेली हो, हमेशा इनका स्ट्राइक रेट जो है वो अबव नजर आता है 100 से. तो आई थिंक एक क्वालिटी प्लेयर, ग्राउंड भी बड़ा पसंद है. ये तीसरी सेंचुरी एवरेज 4800 नाउ शेबी, और 254 रन्स भी बनाए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन अ टेस्ट मैच, वन अवे फ्रॉम द ग्रेट मैन्स रिकॉर्ड 49 सचिन तेंदुलकर का. आई थिंक ही इज गोना सरपास दैट बाय अ लॉट. ही इज सुपर फिट, ही इज गॉट अ लॉट ऑफ क्रिकेट टू गो विद हिम, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट. एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो आपने बड़ी जो बात की कि 50 ओवर फील्डिंग के बाद एंड में वो दुखियां ले रहे थे, ये दुखियां आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं. ये जब वो 50 ओवर की फील्डिंग कर चुके थे और अपनी सेंचुरी के कम वो थे, लुक एट दिस, लुक एट द रनिंग 92 वो देखिए स्कोर कार्ड, एंड आफ्टर फील्डिंग फॉर 50 ओवर्स इन दैट हीट एंड देन बैटिंग, दैट शोज एक्सट्रीम फिटनेस जिसे कहते हैं ना, फिटनेस डजंट मीन. एक जो बहुत ही अच्छी बात है रनिंग द बिटवीन द विकेट, स्ट्राइकर पे एंड पे कोहली ने शॉट खेला है और उसने क्रीज जल्दी कवर कर लिए rather than कि वो नॉन स्ट्राइकर वाला पहला तेज लेंथ है, आउट रन आउट रन. एक और चीज, दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, या आई थिंक समथिंग टू बी नोटेड फॉर यंग प्लेयर्स लॉट, उन्होंने पहले बाउंड्रीयां मारने की कोशिश की है, नहीं लगी. जब नहीं लगी he quickly adapted, he said okay I'm going to run these twos. Yeah. So that was very important to that awareness. उसमें ये फखर भाई के आपको टीम प्लान मिलता है जब आप अपने क्रिकेट खेलना शुरू किया या कोई भी स्पोर्ट्स खेलना शुरू किया, तो वो आपका लर्निंग प्रोसेस है. तो वो लर्निंग प्रोसेस में तब आपने सीखना है कि अगर मैं एक चीज़ मुझे नहीं उस पर अबूर आ रहा तो मैं उसको हासिल करने के लिए दूसरा बी प्लान मेरा क्या है, वो नहीं होगी मेरा सी प्लान क्या है. तो वो जो होता है ना गिव अप वाला एलिमेंट जो है वो आप इसी तरह सीखते हैं कि आप गिव अप नहीं करते जब तक आप अपना सब कुछ ना जो है दाव पे लगा दें. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है उनसे ये सीखना कि अगर मैं ये नहीं काम कर पाऊँगा तो मैं ये करूँगा उस चीज़ को हासिल करने के लिए, मैं फिर ये करूँगा. मतलब आपने जान नहीं छोड़नी, आप किसी भी फील्ड में हो, ये जान ना छोड़ने वाला जो काम है ना, ये हर इंसान को सीखना चाहिए. प्रेजेंस ऑफ माइंड भी है कि आप जैसी मर्जी सिचुएशन है आप उसमें अपने प्रेजेंट आप रहेंगे तो आप कोई दूसरी ऑप्शन सोचेंगे, वरना नॉर्मली यही आता है कि यार मैंने हिट ही मारनी है और उसमें अब आउट भी होते हैं.